कुणाल को कहीं ना कहीं विश्वास था कि उसे आईआईटी में एडमिशन ना मिलना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। उसने जेई का एग्जाम जरूर दिया था, बट ये उसके अकेले का डिसीजन नहीं था। कुणाल के पेरेंट्स और बाकी सब रिलेटिव्स ऑलरेडी अज्यूम कर बैठे थे कि वो भी अपने बड़े भाई निखिल की तरह आईआईटी में एडमिशन लेगा। आईआईटी की प्रिपरेशन और उसके एग्जाम के फेलियर ने कुणाल को फ्रस्ट्रेट कर डाला, इतना फ्रस्ट्रेट कि अब वो कुछ महीने पढ़ाई की तरफ मुड़कर भी नहीं देखना चाहता था। असल में सच्चाई तो ये थी कि उसे क्लास 10th के बाद कॉमर्स चाहिए थी, बट ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स की तरह उसके पेरेंट्स ने भी उसे समझाया कि बेटा आगे जाके कॉमर्स का कोई फ्यूचर व्यूचर नहीं है, तुम साइंस लो और हम तुम्हारे ट्यूशन आने जाने के लिए तुम्हें एक नई साइकिल भी दिलवा देंगे। कुणाल के फादर एक कोयले की खदान में काम करते थे, किसी मैनेजर वैनेजर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक टिपिकल कारीगर की हैसियत से। जब कुणाल 5 साल के आसपास हुआ करता था, तब उसके फादर ने रियलाइज कर लिया कि अगर उन्होंने कोई ढंग का काम धंधा नहीं ढूंढा तो उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में रह जाएगा, इसीलिए वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड काम में घुस गए। कुणाल और उसका बड़ा भाई निखिल कई हफ्तों तक अपने फादर को नहीं देख पाते। उनके फादर रोज सुबह उन दोनों के उठने से पहले निकल जाते और उनके सोने के बाद रात को घर में घुसा करते। यही कारण था कि उन्होंने उसे आईआईटी की तैयारी करवाई ताकि उसे कभी भी उनके जैसी जिंदगी ना देखनी पड़े। आईआईटी के एग्जाम में फेल होकर कुणाल ने फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 6,500 की तनख्वाह पे काम करना शुरू कर दिया। उसने ये काम बेसिकली पढ़ाई से अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए करा था। सामान में से प्लास्टिक हटाना, इधर का माल उधर रखना और शाम को 4 बजे के आसपास बाकी वर्कर्स के साथ बैठकर चाय पीना। कुणाल ने 1 साल यही सब करा। उस 1 साल में कुणाल ने डिसाइड कर लिया कि वो किसी कॉमन इंजीनियरिंग प्लस MBA के रूट से नहीं जाना चाहता, उसे बिजनेस एजुकेशन की नॉलेज चाहिए थी। उसने US में वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस में अप्लाई करा। यूनाइटेड स्टेट्स में वो इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो कि 5 साल के टाइम फ्रेम में इंजीनियरिंग प्लस बिजनेस डिग्री प्रोवाइड कर रही थी। कुणाल ने पैसे बचाने के लिए 4 साल में ही अपने सभी एग्जाम्स क्लियर कर दिखाए और वो डिग्री ले ली। इन 4 सालों में कुणाल ने पार्ट टाइम वहां 3 जॉब्स करी और साथ ही हर सेमेस्टर में 6 से 7 कोर्सेस कंप्लीट करे। यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स के बीच क्रिकेट का पैशन देखते हुए कुणाल ने एक शॉर्ट टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ निकाली। 2003 का वर्ल्ड कप पहली बार ऑनलाइन स्ट्रीम होने जा रहा था। कुणाल ने उसका सब्सक्रिप्शन खरीद के एक लेक्चर हॉल बुक किया और सभी इंडियन स्टूडेंट्स को फ्री में वहां इनवाइट करा। इस टैक्टिक से उसने पूरा हॉल भर डाला और फिर मैच के दौरान उनके बीच $5 में समोसा और कोला बेचकर पैसे कमाए। अपना कॉलेज खत्म करके उसे फाइनली फिर माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने को मिला, बट यहां किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और 3 महीने में उसे माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के वापस इंडिया आना पड़ा। US में जॉब करने के साथ साथ वहां रहने के लिए H1B वीजा चाहिए होता है, बट कुणाल की H1B वीजा की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। IIT के बाद ये उसकी लाइफ की दूसरी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही, बट जैसे IIT में एडमिशन ना मिलना उसके लिए एक ब्लेसिंग साबित हुई, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट में भी काम करने को नहीं मिलना आगे जाके एक ब्लेसिंग ही साबित हुई। कुछ टाइम बाद जब कुणाल ने फाइनली अपना बिजनेस सेटअप करने का डिसाइड करा, तो फैमिली में से किसी ने उसे कुछ नहीं कहा, बिकॉज वो सब समझ चुके थे कि लड़के ने पूरी जिंदगी अपने फादर का स्ट्रगल देखा है, खुद 1 साल अपनी ग्रेजुएशन को छोड़ के फैक्ट्री में काम किया है और फिर US जाके 5 साल और कड़ी मेहनत भी करी है, तो अब वो इस लायक है कि अपना भला बुरा समझ सके। रिपब्लिक डे के दिन कुणाल और उसके दोस्त रोहित ने फिर एक कॉफी शॉप में बैठकर कुछ बिजनेस प्लान्स डिस्कस करे और 8 घंटे की स्ट्रेट डिस्कशन के बाद उन दोनों ने एक नाम और बिजनेस प्लान डिसाइड कर लिया था। वो नाम था स्नैपडील और उनका उस वक्त का बिजनेस मॉडल था ऑनलाइन कूपन्स एंड डील्स प्रोवाइड करना। उनकी मीटिंग के कुछ ही हफ्तों के बाद स्नैपडील लाइव आ चुकी थी।
स्नैपडील कोई पहली कूपन वेबसाइट नहीं थी, इनफैक्ट उसके जैसी 6 और साइट्स पहले ही लॉन्च हुई थी और उसके 6 महीने के बाद 50 और ऐसी वेबसाइट्स मार्केट में आई। बट सरप्राइजिंगली स्नैपडील ने रेस में सबको पीछे छोड़ दिया। जहां बाकी कंपनीज डिमांड जनरेट करने में लगी पड़ी थी, वहीं स्नैपडील ने सप्लाई ही इतनी ज्यादा क्रिएट कर दी कि डिमांड खुद पर खुद दौड़ती हुई चली आई। एक साल के अंदर अंदर स्नैपडील के पास मार्केट का 70% शेयर आ चुका था। उनकी इस ग्रोथ को देखते हुए कंपनी में इन्वेस्टर्स भी दौड़े चले आए और 2011 में स्नैपडील को मोर देन 60 करोड़ की फंडिंग भी मिली। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि फिर उनके इस ऑनलाइन वेंचर की जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट आया। उसी साल कुणाल और रोहित ने चाइना विजिट करा था और वहां वो अलीबाबा की सक्सेस को देख के दंग रह गए। उन्हें तब रिलाइज हुआ कि इस ई कॉमर्स के सेक्टर में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। वो इंडिया वापस आए और उन्होंने एनालाइज करा कि उनकी डील्स के थ्रू हो रही ट्रांजैक्शंस का ग्राफ एक पॉइंट पे आके स्टक हो चुका है। उन्होंने अपनी वेबसाइट के कुछ मोस्ट ट्रस्टेड मर्चेंट्स को बुलाकर कहा कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप डील्स छोड़ के कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट करो और हम उसे एनालाइज करते हैं। एंड ऑब्वियसली उनके इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स काफी अच्छे निकले। दिसंबर में कुणाल और रोहित ने अपने सभी इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया कि स्नैपडील अब अपने कूपन्स एंड डील्स के बिजनेस को कंप्लीटली शट डाउन कर रही है और इसे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने जा रही है। 2011 में लोगों को कैश ऑन डिलीवरी जैसी सर्विस का कुछ ज्यादा पता वता भी नहीं था और ना ही उन्हें इसकी आदत थी। कंपनी के एम्प्लॉयज को लगने लगा था कि ये फाउंडर्स अब पागल हो चुके हैं और ये इस अच्छे खासे बिजनेस को बर्बाद कर देंगे। बट स्टिल इन्वेस्टर्स ने उन पर ट्रस्ट बनाए रखा और स्नैपडील ने फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिखाया जहां उनके नाम के अंडर हर तरह के सेलर्स और कंज्यूमर्स एक दूसरे से जुड़ गए। उस समय फ्लिपकार्ट भी ई कॉमर्स की गेम में आ चुकी थी, बट फ्लिपकार्ट ने अपने अंडर सेलर्स को रखना रिफ्यूज कर दिया और उन्होंने खुद की स्टॉक इन्वेंटरी तैयार करी, जो कि बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग काम था। फाइनली जब 2013 के अंदर Amazon ने इंडिया में दस्तक दी, तब जाके फिर फ्लिपकार्ट को भी अपने नीचे सेलर्स बनाने पड़े। एक टाइम था जब कुणाल ने काफी फॉलोअप के बाद DPS RK पूरम के प्रिंसिपल से मीटिंग रखवाई और उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो उसे वीक में बस एक दिन दें बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स करवाने के लिए एंड किसी भी क्लास का बच्चा इसे अटेंड करना चाहे तो वो कर सके। बट प्रिंसिपल ने बात को टालते हुए उसे अगले साल आने को कहा। कुणाल ने कुछ टाइम बाद प्रिंसिपल को फिर से कॉल किया, बट प्रिंसिपल ने फिर से उसे अगले साल सोचने की बात कही। फिर फाइनली उसने स्कूल को फंड रेजिंग ऑफर करी, बट प्रिंसिपल ने हंसते हुए जवाब दिया, भगवान की दया से बहुत पैसा है हमारे पास। मैं बस इमेजिन ही कर सकता हूं कि कुणाल जैसा बंदा उन्हें कितने वैल्यूबल लेसन सिखा सकता था।